अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर एक, कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह फातिहा, बी सूरह मुल्क, सी सूरह रहमान, डी सूरह इखलास। सही जवाब है बी सूरह मुल्क, पढ़ने से कब्र रोशन होती है। सवाल नंबर दो, गीबत करने वाला क़यामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? आपके ऑप्शन हैं ए कुत्ते की, बी चूहे की, सी गधे की, डी खरगोश की। सही जवाब है ए गीबत करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा। सवाल नंबर तीन, कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं ए चोरी करने वाले का, बी शिर्क करने वाले का, सी नशा करने वाले का, डी झूठ बोलने वाले का। सही जवाब है बी शिर्क करने वाले का नेक अमल कबूल नहीं होता। सवाल नंबर चार, कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सूरह फातिहा, बी सूरह कौसर, सी सूरह इखलास, डी सूरह फलक। सही जवाब है बी सूरह कौसर कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरह है। सवाल नंबर पाँच, गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं? आपके ऑप्शन हैं ए एक फ़र्ज, बी दो फ़र्ज, सी तीन फ़र्ज, डी चार फ़र्ज। सही जवाब है सी गुस्ल में तीन फ़र्ज हैं। सवाल नंबर छः, जिस्म के किस हिस्से में दर्द होना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है? आपके ऑप्शन हैं ए पैर में, बी दांत में, सी सीने में, डी पेट में। सही जवाब है अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से होता है। अगर उस दर्द में भी हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ नहीं जाता, आपको दर्द में भी अल्लाह की याद नहीं आती, तो समझ लो अल्लाह आपसे नाराज़ है। अगर आपको दुख, दर्द या किसी भी तकलीफ़ में अल्लाह की याद आती है, आपका ध्यान अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू होता है, तो समझ लो अल्लाह आपसे राज़ी है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।